आप देख रहे हैं दर्पण भारत चैनल। आप सब लोगों ने बड़े बुरे दौर से बुरे दौर देखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन है, इस मिशन में आप लोग समय समय पर आहुति देते रहे हैं। और इस बार भी आप लोगों को किसी से किसी की बातों में नहीं आना है, क्योंकि आप देखोगे आप गरीब मजदूरों के जो बच्चे हैं, इस देश के मनवादी जो सामंतवादी सोच के जो लोग हैं, जो रियासतदार बड़े बड़े अपने आप को मालिक समझते हैं, उद्योगपति समझते हैं, उनके घरों में दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए आपके बच्चे नहीं है, बल्कि आपके बच्चों को परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान पढ़ लेकर के अच्छे डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बनने का अधिकार देता है। लेकिन इस देश के अंदर जो सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, जो सांप्रदायिकता जो मनवादी सोच के जो लोग हैं,
उन लोगों ने आपके बच्चों के लिए सबसे पहले शिक्षा के दरवाजे बंद कर दिए। आज जो पढ़े लिखे रोजगार के लिए जो पढ़े लिखे बच्चे भटक रहे हैं, सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र में निजीकरण कर दिया, आज किसी को रोजगार नहीं दिए जा रहे, आज महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, आज किसान भाई रोड के ऊपर बैठे हैं, आज हमारे कर्मचारी भाई ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए रोड के ऊपर बैठे हैं, आज महिलाओं के ऊपर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। इस देश के अंदर अगर कोई सही मायने में संविधान की सरकार अगर दे सकता है, इस देश के अंदर कोई सही मायने में अगर समता मूलक समाज बना सकती है, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आप लोगों के इस यात्रा का दलबल के साथ स्वागत किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाली 15 मार्च को करनाल के हुड्डा ग्राउंड सेक्टर 12 में हमारी पार्टी के संस्थापक बहुजन नायक माननीय साहब काशीराम जी को के सम्मान में एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, और आप लोग आने वाली 15 तारीख को 15 मार्च को हमारे मसीहा माननीय साहब काशीराम जी के सम्मान में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग करनाल के हुड्डा ग्राउंड सेक्टर 12 में पहुंचने का काम करें। आप लोगों ने बड़ा दलबल के साथ स्वागत किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम जय भारत। नेशनल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी, उनके नेतृत्व में शुरू हुई पलवल जिला से, तो ये आज विभिन्न जिलों से होती आपके बीच में पहुंची है, और इस यात्रा का बहुत अच्छा स्वागत आज पानीपत जिले में आपके ग्रामीण विधानसभा और दूसरे साथियों ने किया है। तो मैं आप सबका जो है ना धन्यवाद करता हूँ, सब इनसे स्वागत करता हूँ। के साथ
माओवादियों का अब इस देश में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जड़ गुंडों की छाती पे, जड़ गुंडों की छाती पे मोर लगेगी हाथी पे। सम्मानित बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं, आप सब लोगों ने इस यात्रा का यहाँ संविधान चौक पर पहुंचने पर जो भव्य स्वागत किया, हमारी पूरी जिला विधानसभा के टीम के जो कार्यकर्ता है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आप लोगों ने पानीपत के अंदर दिखाने का काम कर दिया कि हमारी संख्या चाहे कम ही क्यों ना हो, हमारे पास चाहे बड़े बड़े उद्योगपति घटना से क्यों ना हो, लेकिन हम परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे अंतिम सांस तक भारत के संविधान के सम्मान में जी रहेंगे। इसलिए आज हम हरियाणा प्रदेश के अंदर गांव गांव गली गली मोहल्ले में जाने का काम कर रहे हैं और हर जगह नारा लग रहा है कि बीएसपी आई है, नई रोशनी लाई है, ये नारा लग रहा है। और ये नारा लग रहा है कि देश की प्रधानमंत्री कैसी हो, मायावती जैसी हो। हम लोग नारा लगाते थे कि देश की मजबूरी है, बीएसपी जरूरी है, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, मायावती जैसा हो। इस बार ये नारा हमारे साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके तमाम विपक्षी दल अपनी जमीन को बचाने के लिए नारा लगा रहे हैं कि देश की प्रधानमंत्री कैसी हो, मायावती कैसी हो। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के सभी जानबाज योद्धाओं कार्यकर्ताओं, आप लोग फटके घर बैठने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को अपना मनोबल मजबूती से ऐसे ही कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर के जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे कचरा बीनने वाले लोग हैं, जो हमारे मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो हमारे चूल्हे पॉलिश करने वाले लोग हैं, ब्याह शादी में जाकर के बर्तन साफ करने वाले जो लोग हैं, जिन लोगों के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने का काम बहुजन समाज पार्टी करती है, उनके हक और हकूकों की कोई बात नहीं करता। इसलिए इस देश के अंदर चट्टान से मजबूत कोई कार्यकर्ता है तो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता है, क्योंकि जो पार्टियां सत्ता में होती है उनका कार्यकर्ता बनना बहुत आसान काम होता है। लेकिन इस पार्टी का, हमारी पार्टी का आज तक हरियाणा प्रदेश के अंदर राज नहीं आया, लेकिन फिर भी माननीय साहब काशीराम जी के साथ में लगकर के आप लोगों ने अपनी जिंदगी का पहला वोट इस बात पर डाला था कि हम इस देश के अंदर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का शासन चाहते हैं। और आप लोग अपनी जिंदगी के अंदर आज भी प्रण लिए हुए हैं कि हम अपनी जिंदगी के अंतिम सांस तक इस हाथी के निशान वाले नीले झंडे की हिफाजत में खड़े रहेंगे। सभी का नाम जानता हूँ और आज हमारी पार्टी बहुत एक माने जाने चेहरे पानी दल के साथियों श्री नारायण वर्मा जी ने भी बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की है। एडवोकेट है पेशेंस में और समाज की लड़ाई लड़ते रहे हैं और इनसे पिछले दिनों विस्तार से बैठ करके हमारी दो घंटे चर्चा हुई तो मैंने पूछा इनसे कि आप बीएसपी को ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो इन्होंने बताया कि इस देश के अंदर बीएसपी को छोड़ करके सभी जो पार्टियां हैं वो शोषितों वंचितों मजलूमों दलितों पिछड़ों किसान मजदूर छोटे व्यापारी कर्मचारी के नाम पे राजनीति तो करती है, लेकिन उनके हक और हकूकों की कोई बात आती है तो बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई रोड जारी करने का काम करती है। इसलिए आप सब लोगों ने यहाँ पहुंचने पर बड़े गर्वन के साथ स्वागत किया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम मेरे जो युवा साथियों, सम्मानित युवा साथियों, इन बुजुर्गों के चेहरे देखो, ये वो बुजुर्ग हैं, ये वो योद्धा हैं जिन्होंने सब काशीराम जी के साथ में रह करके भूखे प्यासे रह करके आज हमारे को इस लायक बनाया कि हम इस देश के अंदर एक राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ता हैं।
आज आपको विपक्ष के लोगों की बातों में ना आकर के, तरह तरह की बातों में ना आकर के, संगठन को एकजुट करके, मजबूत बना करके संगठन को हम लोगों ने इस मिशन को सबके मूल्य सूत्र तक पहुंचाने का काम करना है। क्योंकि जब तक इस देश के अंदर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री नहीं बन जाती, तब तक हम लोग जेल से बैठने वाले नहीं है। क्योंकि माननीय साहब काशीराम जी ने दो पई और दो पांव के दम पर चल करके इस देश की जो तमाम सत्तारूढ़ पार्टियां रही, चाहे वर्तमान की पार्टी हो, चाहे तमाम राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां हो, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम तक लेना पसंद नहीं करती थी, मानवर साहब का काशीराम जी ने उनको दो पई और दो पांव के दम पर चल करके इस देश के अंदर मजबूर कर दिया। इस देश के अंदर रहना होगा तो जय भीम जय भारत कहना होगा। इसलिए इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी बहुत बड़ी ताकत है। आप इस ताकत को मिलजुल करके आपस की छोटी मोटी बातों को खत्म करके एक दूसरे का हाथ पकड़ करके मजबूती से हमें आगे बढ़ने का काम करना है। और आने वाली 15 मार्च को हमारे मसीहा मानवर साहब काशीराम जी के जन्मदिन पर करनाल के हुडा ग्राम सेक्टर 12 में एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सभी साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर पहुंचे। आप सब लोगों ने बड़े दल बल के साथ यहाँ पहुंचने का स्वागत किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम जय भारत जय साहब काशीराम।
साथी जिंदाबाद, जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। बहन कुमारी मायावती, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती, बहन कुमारी मायावती। मानवर काशी राम साहब, मानवर काशी राम साहब। बाबा साहब अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मान्यवर काशीराम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। माननीय बहन मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय आकाश आनंद जिंदाबाद। Thank you.
साथियों जय भीम। अब हम इस समय सोनीपत हरियाणा में आज जो यात्रा शुरू हुई सुबह 9 मार्च को सुबह यात्रा शुरू हुई थी, असंध कस्बे से शुरू हुई थी ये यात्रा, गांव गई फिर पानीपत होते हुए और लास्ट में ये सोनीपत में 6:30 बज चुके हैं। हम आज पूरे दिन हरियाणा के बहुत सारे गांव में गए, बहुत सारे कस्बों में गए, तहसीलों में गए, गन्नौर है जैसे लास्ट कस्बा, अभी हम लोग गन्नौर में थे सोनीपत से पहले, उससे पहले पूरा दिन भर आज हमने देखा किस तरह बसपा का हाथी, किस तरह से बहुजन समाज पार्टी का हाथी चिंगार मार करके हरियाणा की सड़कों पर उतर गया है। लोग कहते मनवादी मीडिया कहता है बहन कुमारी मायावती जी सड़कों पे नहीं, यहाँ हजारों हजार कार्यकर्ता और माननीय आकाश आनंद जी के कारवां में जलूस में हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए थे। गांव गांव में पूरे हरियाणा में 9 मार्च 2024 को हाथी चिंगारे मार रहा था और बसपा का हाथी कह रहा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और मायावती जरूरी है, ऐसे कह करके कार्यकर्ताओं ने पूरा भव्य स्वागत किया अलग अलग जगहों पर। आज अब हम यहीं पर विराम लेते हैं सोनीपत से, आज हम इस यात्रा में विराम लेते हैं, सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, और हम धन्यवाद करते हैं नीलकमल टीवी के माननीय ब्रजेश जी का, साथ में माननीय वीरेंद्र सिंह जी का अभिनंदन करते हैं, और हम यहाँ ब्रेक लेते हैं, आगे यात्रा हम आपको दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी आपका, और आपने पूरी यात्रा को कवर किया, हम लोगों ने बहुत जगह देखा, बहुत कुछ सीखने को जानने को मिला, हरियाणा के गांव में सड़कों पे होते हुए गलियों में होते हुए तमाम सारे लाखों कार्यकर्ताओं से हम लोग मिले, और मेरे ख्याल से अभी जो कारवां गया है तो कम से कम 200 कारें हमारे कारवां के साथ चल रही थी, वहाँ से शुरू हुई थी, तो ये एक बहुत बड़ी मैं सोचता हूँ उपलब्धि है, और लोगों में बड़ा उत्साह है, हमने देखा जगह जगह सड़कों पे खड़े हुए भी हाथ हिला रहे थे, बहुत उत्साह नज़र आ रहा है, लोग तैयार हैं, जागने को तैयार हैं, जगाने वाला चाहिए। दर्शकों से अनुरोध है कि दर्पण भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।